18 फरवरी 2024 को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक करने वाले ग्रुप के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एसटीएफ उत्तर प्रदेश की विभिन्न टीमों फील्ड इकाइयों को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री ब्रजेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में अधिसूचना संकलन की कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया। निरीक्षक श्री रविंद्र कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय कुमार हेड कांस्टेबल, रकम सिंह हेड कांस्टेबल, प्रदीप धनखड़ हेड कांस्टेबल, आकाशदीप हेड कांस्टेबल, भूपेंद्र सिंह एवं हेड कांस्टेबल रमेश तोमर की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमण शिल्पी इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करने वाले ग्रहों का सदस्य दीपू उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दो पहिया रोड पठानपुरा थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ के मकान में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण पेपर आउट करने में हुए खर्च को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एसटीएफ मेरठ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर छह व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामद की हुई गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ में बताया। दिनांक 18-2-2024 को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी, दिनांक 17-2-2024 को साहिल के मोबाइल पर जारी व्हाट्सएप पर आया था, जिसे मोनू पुत्र अज्ञात निवासी दमपुर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ द्वारा भेजा गया था। साहिल उपरोक्त ने दिनांक 17-2-2024 को ही वह प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी व्हाट्सएप के माध्यम से नवीन पुत्र सुलेख चंद्र निवासी शोभापुर को भेजा था। नवीन ने अपने मोबाइल फोन से बिट्टू को तथा बिट्टू ने उपरोक्त दिनांक 18-2-2024 को दोपहर 12:31 बजे व्हाट्सएप से प्रवीण उपरोक्त को भेजा था। प्रवीण ने डब्बू पुत्र राम सिंह निवासी नगला काशी थाना कंकरखेड़ा को भेजा था।